हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी के एमसीक्यूज रेडी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्ट क्वेश्चनिशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ फर्स्ट इफ अ नॉमिनेटेड सॉरी एम पी और एम एल ए ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली आफ्टर बींग नॉमिनेटेड सेकेंड

कि अगर छह महीने तक उनको कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो कर सकते हैं छह महीने के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिसक्वालीफाई होता है अंडर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ और यहां पे क्या लिखा है कि अगर वो इमीडिएटली कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो कोई पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी डिफेक्शन कहलाएगा और वो मेंबर जो है वो डिसक्वालीफाई होंगे या फिर कोई इलेक्टेड मेंबर है किसी पार्टी से चुनाव लड़े है और जीत जाने के बाद उस पार्टी से रिजाइन दे देते हैं तो उसके अंदर भी ये डिसक्वालिफाई हो जाएंगे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो टेंथ शेड्यूल के अंदर है विच वॉज एडेड बाई फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सो बी सेकेंड एंड थर्ड सो so बंगाल के अंदर अभी ये मास डिफेक्शन जैसी परिस्थिति चल रही है लेकिन ये डिसक्वालिफिकेशन नहीं कहलाएगा बिकॉज ये चुनाव से पहले हो रहा है चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अगर ये सब चीजें होती है देन इट अट्रैक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेबल ट्राइब्स रिसाइड इन द आंदाम एंड निकोबार आईलैंड फर्स्ट सेंटिनलीज सेकेंड ऑंग एंड थर्ड जारवास तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी वन टू एंड थ्री ये तीनों ट्राइब्स जो है वो आंदमान एंड निकोबार की वल्नरेबल ट्राइब और पर्टिकुलरली वल ट्राइबल ग्रुप्स में भी आते हैं तो अभी ये जो सेंटिनल आइलैंड है आंदमान के अंदर वहां की जो ट्राइब है सेंटिनलीज वो न्यूज में है क्योंकि वहां पे जो कमर्शियल एक्सप्लाटेशन हो रहा है उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के अंदर तो इसकी वजह से ये जो पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप है उसके एग्जिस्टेंस पे काफी सवाल उठ रहे हैं एज पर सर्वे कंडक्टेड बाय एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये संडे के न्यूज में आर्टिकल था क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर मेड बाय जस्टिस रॉय कमिटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स फर्स्ट एवरी न्यू प्रिजनर शुड बी अलाउड अ फ्री फोन कॉल अ डे to his family members. Second, special fast track courts should be set up to deal exclusively with petty offenses which have been pending for more than 5 years. to तो chaliye देखते हैं correct answer kya hoga Correct answer is C both one and two. ये दोनों statement correct है. 2018 में ये justice roy committee बनाई गई थी. जिन्होंने अभी इस साल की beginning में अपना report दिया था. उनके अंदर ये रिकमेंडेशंस थी कि प्रिजन रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएं तो एक ये भी रिकमेंडेशन थी कि जितने भी नए कैदी हैं तो फर्स्ट वीक तक पहले वीक के अंदर उनको फोन कॉल करने देना चाहिए टू हिज फैमिली मेंबर्स सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि उनके लिए कोई स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए कि जो पेटी ऑफेंसेस है 5 साल से पेंडिंग है तो वो स्पीडी ट्रायल हो सके और भी का, काफी सारे रिकमेंडेशंस थी कि थर्टी प्रिजनर्स पे एक लॉयर होना चाहिए और उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और वहां पे कैंटीन एंड फूड फैसिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए ये सब रेकमेंडेशन थी सो प्रिजन पॉपुलेशन के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है बाय कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, विच टॉक्स दैट प्रिजन पॉपुलेशन रिड्यूस्ड बाय 10.42 परसेंट बिटवीन अप्रैल टू जून

करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली फर्स्ट इज इन करेक्ट ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज टू प्रमोट एंड असिस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था लेकिन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो इस वजह से फर्स्ट जो है वो गलत होगा सेकेंड इज करेक्ट कि जो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जो फॉरेन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको रिप्रेजेंट करना और उनको असिस्ट करना किसकी जिम्मेदारी है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है so, उन्होंने ये कहा है, कुछ रिकमेंडेशन दी है कि डबल टैक्सेशन डिडक्शन प्लान जो है वो लागू होना चाहिए फिर ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड एस्टेब्लिश करना चाहिए और उसी के साथ में ये जो ईसीजीसी स्कीम है उसके कवरेज के बारे में भी उन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशन दी है क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फर्स्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड सेकेंड इंट्रोडक्शन ऑफ बी टी कॉटन इज वन ऑफ द रीजन फॉर इंडिया फॉर हायर कॉटन प्रोडक्शन सेकेंड इंडिया इज द ओनली कंट्री टन एज हाइब्रीड तो चलिए दिखता है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी वन टू एंड थ्री ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है एज ऑफ नाउ एज ऑफ द रिपोर्ट पब्लिश इन दर टी ट्वेंटी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इंडिया हैज सरपास्ड चाइना तो ये जो है वो करेक्ट होगा पहले चार अगर प्लेयर्स की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे अभी इंडिया है सेकेंड रैंक पे चाइना है फिर उसके बाद है यूएस एंड देन ब्राजील सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट जब से इंडिया के अंदर बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ 2002 में तब से इंडिया के अंदर कॉटन प्रोडक्शन में एक रेवोल्यूशन हुआ और इसकी वजह से इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन जो है वो काफी हायर लेवल पे है लेकिन इंडिया के अंदर पर एकर जितनी यील्ड होनी चाहिए मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बाकी सारे नेशन से काफी कम है और अगर हम हाइब्रिड कॉटन की बात करें फॉर एग्जाम्पल जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है बीटी कॉटन तो इंडिया ही अकेला ऐसा देश है जहां पे कॉटन जो है वो हाइब्रिड सीड के द्वारा उगाया जाता है तो आंसर होगा डी वन टू एंड थ्री कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स लाइकली टू रिच लास्ट ईयर लेवल उसके अंदर इंपैक्ट जो है वो काफी कम हुई है लास्ट ईयर जितना ग्रोथ रेट था उतना ही ग्रोथ रेट हम इस साल अचीव कर सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एक्सो प्लानिट्स फर्स्ट एक्सो प्लानिट्स आर द प्लानिट्स दैट ऑर्बिट अराउंड अदर स्टार्स लोकेटेड आउटसाइड अवर गैलेक्सी सेकेंड एक्सो प्लानिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सोलर प्लानिट्स एंड थर्ड एक्सो प्लानिट्स आर हर्ड हार्ड टू बी डिटेक्टेड डायरेक्टली विथ टेलीस्कोप्स एज दे आर क्लोज टू द स्टार्स दे ऑर्बिट तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट इज इन करेक्ट अब देखिए एक्सो प्लान कहते हैं फॉर एग्जाम्पल की ये हमारी सोलर सिस्टम है और ये है हमारी पूरी गैलेक्सी जिसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी राइट तो विद इन अवर गैलेक्सी बट आउटसाइड द सोलर सिस्टम यहां पे कोई स्टार है और उसके आसपास कोई प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करता है तो उस प्लेनेट को क्या कहेंगे कहेंगे मतलब कि जो है वो हमारी सोलर सिस्टम से बाहर है लेकिन हमारी गैलेक्सी के अंदर है। तो ऐसे प्लैनेट्स को क्या कहते हैं एक्सो कहते हैं यहां पर क्या लिखा है इट इज आउटसाइड अवर गैलेक्सी तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और ये हमारी सोलर सिस्टम से बाहर है इसलिए इसे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स भी कहते हैं एंड दे आर हार्ड टू बी डिटेक्टेड आप जो रेगुलर टेलीस्कोप का यूज करते हैं उससे डिटेक्ट करना काफी हार्ड ऐसा नहीं कहते कि इम्पॉसिबल है बट इट इज रेयर सो द आंसर इज बी सेकेंड एंड थर्ड तो रिसेंटली ये नेदरलैंड के अंदर एक लो फ्रीक्वेंसी एरे एक रेडियो टेलीस्कोप है उसका यूज करके एक एक्सो जो है वो डिस, डिस्कलोज हुआ है तो फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सो प्लैनेट डिटेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर रेडियो टेलीस्कोप तो इस वजह से ये जो है क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम फर्स्ट इट फिट्स इन ऑल मिसाइल सिस्टम एंड कैन बी कन्फिगर्ड टू मल्टीपल रेंजेस सेकेंड दिस सिस्टम ऑल्सो डिटेक्ट फाइटर जैट्स एंड थर्ड इट कैन ट्रैक मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली तो चलिए दिखता है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज डी वन टू एंड थ्री ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है जो कि रशिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और काफी सारी कंट्रीज ने ये डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदे इट इज पर्टिकुलरली अ डिफेंस सिस्टम इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे ये सिस्टम लोकेटेड होगी अगर बाहर की कंट्री में से कोई अटैक होता है तो उस अटैक को डिटेक्ट करके उसको हवा में ही वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इट फिट्स ऑल इन ऑल द मिसाइल सिस्टम ये भी करेक्ट है और ये मल्टीपल रेंज में आप एडजस्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको लॉन्ग रेंज करनी है शॉर्ट रेंज करनी है मीडियम रेंज तो ये सब चीजों के अंदर आप इसको कन्फिगर uh, कर सकते हैं इसकी हाईएस्ट रेंज जो है वो 600 किलोमीटर की है और उसका रेडियस भी काफी बड़ा है सो द आंसर इज डी एंड थ्री फर्स्ट तो करेक्ट होगा सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं तो इंडिया ने ये सिस्टम जो है वो पर्टिकुलरली रशिया से बाय की थी तो चाइना के साथ जो फाइटर जेट्स है हम उनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यूजिंग दिस सिस्टम थर्ड इज आल्सो करेक्ट इसके अंदर एक साथ 300 टारगेट को आप साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकते हैं 300 टारगेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ सो द आंसर इज डी वन टू एंड ये मिसाइल सिस्टम जो है वो भी काफी न्यूज में है बिकॉज रिसेंटली तुर्की ने ये मिसाइल सिस्टम जो है वो रशिया से परचेज की और उसके चलते अमेरिका ने टर्की के ऊपर सेंक्शन लगाए अंडर दिस काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्जरी थ्रू सेंक्शन एक्ट तो इस वजह से ये पूरी सिस्टम जो है वो न्यूज में है इसके बारे में ये कल के न्यूज पेपर में काफी अच्छी डिटेल्स दी गई अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज के न्यूज पेपर से होंगे क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अबाउट द स्टेट एंड दर लार्जेस्ट रिवर्स मतलब कि स्टेट और उस स्टेट की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है उसकी पैर यहां पे दी गई है उसमें से कौन सी करेक्ट है फर्स्ट ओडिशा एंड महानदी सेकंड मध्य प्रदेश एंड नर्मदा एंड थर्ड महाराष्ट्र एंड तुंगभद्रा तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज ए वन एंड टू थर्ड इज इन करेक्ट ओडिशा की सबसे बड़ी रिवर है महानदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है नर्मदा लेकिन महाराष्ट्र की लार्जेस्ट रिवर जो है वो है गोदावरी विच ओरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वर सो आंसर इज ए वन एंड टू तो अभी महानदी रिवर जो है वो इसलिए न्यूज में है बिकॉज उसके फ्लड प्लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल बनाई है और फिर वो अपना रिपोर्ट देगी तो ये फ्लड प्लेन डिस्ट्रक्शन जो है वो काफी न्यूज में रहता है ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर नाइन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैं रूल कैन बी इंपोज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट मतलब कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल में लिखा है कि किसी भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है ऑप्शन ए इज आर्टिकल इज आर्टिकल आर्टिकल 360 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल सो लेट अस सी व्हाट इज आंसर करेक्ट आंसर इज बी आर्टिकल 356. आर्टिकल 352 जो है इट डील्स नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी अब बचे ये दोनों ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज आप कोई भी सोर्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल के अंदर ये दोनों आर्टिकल को mention किया गया है लेकिन आर्टिकल थ्री जो है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर मैंशन किया गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन देते हैं और वो डायरेक्शन अगर स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं कर पाती तो ऐसे टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन गिना जाता है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन में आप प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंदर कर सेल थ्री आर्टिकल 356 तो अभी न्यूज में रहा बिकॉज ऑफ आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ऑर्डर उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के बारे में ऑर्डर दिया था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ला दिया और उन्होंने ये कहा कि टू डिसाइड वेदर इज ब्रेक डाउन इन अ स्टेट और नॉट इट विल बी इिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव की ऑथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगे ज्यूडिशरी हैज नो रोल इन डिसाइडिंग ऑन दिस मैटर तो इस वजह से ये पूरा प्रेसिडेंट रूल और ये सब चीजें न्यूज में है अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन नंबर टेन

लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है अगर मान लो कि लोकसभा डिजोल्व हो गई है और वो सेशन में नहीं है राज्यसभा मीन टाइम पे उस रिजोल्यूशन uh, को पास करके फिर लोकसभा का जब सेशन होगा वो पास कर सकता है दोनों के पास इक्वल पावर है सेकेंड इज इनकरेक्ट प्रेसिडेंट रूल जो है वो सिक्स मंथ्स तक चल सकता है उसके बाद अगर उसको कंटिन्यू करना है तो उसका रिजोल्यूशन दोनों हाउस के अंदर पास होना चाहिए बट बाय सिंपल मेजोरिटी और यहां पे स्पेशल मेजॉरिटी लिखा था इसलिए ये गलत है आंसर इज ए वन ओनली तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा प्रेसिडेंट रूल का टॉपिक जो है वो न्यूज़ में है ओके फ्रेंड्स तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू